इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं, यहाँ जेवर महल जो शोरूम है, ज्वेलरी का शोरूम है। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी के बाद जो है ज्वेलरी के बिज़नेस पे क्या असर पड़ा है। हालांकि नोटबंदी के फौरन बाद ही सोने के प्राइस एकदम बढ़ गए थे, पर अब बिल्कुल नीचे आ गए हैं, पर फिर भी इस पे सेल्स पे काफ़ी असर पड़ा है। हमारे साथ यहाँ के शॉप के ओनर मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि सेल्स पे क्या असर पड़ा है। सर आप, हेलो, मैं पीसी कर बोल रहा हूँ जेवर महल से। सेल पर इस टाइम तो जो है मद्दी के दौर से गुजर रहा है सारा मार्केट। नोटबंदी में लोग बाग तो अपना लाइनों में लगे हुए हैं, अब मार्केट में तो बिल्कुल रस है ही नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वो कार्ड वगैरह से जो होता है वो कर लेते हैं, बाकी सेल पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सेल पे तो बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से सेल कर रहे हैं आजकल, बाकी पुराने तो लेना देना बंद ही है। पुराने नोट लोग कितने कम हो गए सर आपकी दुकान में आना नोटबंदी के बाद से? लोग 70% कम हो गए। हाँ, नोटबंदी के एकदम बाद सोना सस्ता हो गया, तब भी लोग सोना लेने नहीं आ पा रहे। सस्ते के बावजूद भी कस्टमरों का अभी रुझान नहीं बना है सोने के प्रति। सोने के प्रति पता नहीं क्या बात है, रुझान कम होता जा रहा है। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, शादियों का सीज़न निकल गया ना अब तो, ये सीज़न में ये हो गया था नोटबंदी, तो उससे फ़र्क ही पड़ा है। डिजिटल इंडिया का जो ये थीम है जो मोदी जी ने शुरू करा है, कार्ड से पेमेंट और चेक से थ्रू जो पेमेंट है, कैशलेस सिस्टम है, तो आप उसके हक में हैं? नहीं, वैसे तो देखो आगे आगे सिस्टम अच्छा बन जाना चाहिए, बाकी अभी तो सेल फिलहाल तो डाउन जा रही है। तो अभी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सेल्स आपकी बढ़ेगी? हाँ, बढ़ेगी, जनवरी से सेल चालू हो जाएगी, शादियों का भी सीज़न आ रहा है तो सेल बढ़ेगी जनवरी में। जैसा कि ज्वेलर सब कह रहे हैं कि इस समय इनकी नोटबंदी के बाद सेल्स काफ़ी कम है, हालांकि सोना सस्ता हो चुका है, पर फिर भी लोग गोल्ड में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक से ये लोग पेमेंट ले रहे हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जनवरी तक सेल्स सही हो जाएगी और आगे जो नोटबंदी का ये फैसला लिया गया है इसके सब फेवर में, सब इसके हक में है। कैमरामैन अनिल के साथ अंबर, अलाइव 24/7, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।